शराब नीतीश कुमार के लिए बंद है लेकिन बंद नहीं है। देखिए शराबबंदी अगर हट जाएगा ना तो जहरीली शराब का भी चक्कर खत्म हो जाएगा। खोल दे सो ही अच्छा, खोल देने के बाद हिसाब से आदमी पीता था। शराबबंदी को तो 110% खोल देना चाहिए। करना ये चाहिए कि सरकार को एक सरकारी दुकान खोलना चाहिए। होम डिलीवरी हो रहा गाँव में, घरे घरे मिल रहा है। एक मौलिक अधिकार लोगों का, थूक के लोग अगर पिएगा तो कहाँ तक सरकार, आज पुलिस बेचारे क्या काम रह गया उनका। तो आज ये ढोंग, एक तरह से ढोंग समझिए नीतीश कुमार का। वो रोड पर पी के नटंकी करे तो कानून वही होगा जो अभी कानून बना हुआ है। आज जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं उसके दोषी नीतीश कुमार हैं। पीने वाले कभी कितनों बंद कर देंगे, पीबे करेंगे। वो सरकारी दुकान से सामान आदमी किने घर जाए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जब मुजफ्फरपुर की जनता से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। आप सब जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर कितनी सारी चर्चाएं होती है, कितनी फजीहत भी होती है, क्योंकि लोगों की शिकायत है कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में आसानी से होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो आप सुनिए कि मुजफ्फरपुर की जनता क्या कह रही है। देखिए शराब नीतीश कुमार के लिए बंद है लेकिन बंद नहीं है। होम डिलीवरी हो रहा गाँव में, घरे घरे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही है कि एक के दो पैसा बिहार सरकार का टैक्स भी जा रहा है, अदर स्टेट कमा रहा है। ये नहीं है कि शराब नहीं आता है। देखिए खोल दे सो ही अच्छा, खोल देने के बाद हिसाब से आदमी पीता था। अब तो दम मने अथी करके पी रहा है। जहरीली शराब तो दुनिया के बन रहा है। क्या नाम है आपका? अनुप कुमार। लेकर क्या कहेंगे, शराब खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, समीक्षा की जा रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है इसलिए? देखिए शराबबंदी अगर हट जाएगा ना तो जहरीली शराब का भी चक्कर खत्म हो जाएगा, जो समीक्षा में बता रहे हैं, जो हमको लगता है। ऐसे तो देखिए शराब पीना अच्छी चीज़ नहीं है, नुकसान ही होता है, लेकिन एक मौलिक अधिकार लोगों का, छुप के लोग अगर पिएगा तो कहाँ तक सरकार, आज पुलिस बेचारे क्या काम रह गया उनका। दिन भर शराब को ही लोग पकड़ते हैं, क्राइम हो रहा है उसको नहीं रोक पाते हैं। हाँ शराबबंदी में रह गए उलझ के वो लोग, आईजी आईपीएस लेवल के लोग तक। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ये करना, समीक्षा जरूर करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। शराबबंदी को तो 110% खोल देना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी ये सफलतापूर्वक है नहीं। उसके बाद ये ढोंग, एक तरह से ढोंग समझिए नीतीश कुमार का। आज जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं उसके दोषी नीतीश कुमार हैं, क्योंकि यहाँ शराब जो बंद है जिसके कारण लोग जहरीली शराब बना रहे हैं और जो पी कर लोग, पीने वाले कभी कितनों बंद कर देंगे, पीबे करेंगे, इसलिए जिससे बिहार सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए शराब को हमारे नज़र से खोल देना चाहिए। क्या नाम है? विक्रम कुमार। शराबबंदी को लेकर नहीं, जो सरकार अब नया नियम लाने वाली है, आप क्या करेंगे? देखिए शराबबंदी जो किए हैं सरकार या नीतीश कुमार वो बनिया है, लेकिन यही है कि डुप्लीकेट मार्केट में सरकार के तरफ से बिक रहा है दारू, तो उस पर वो पाबंदी किया जाए। डुप्लीकेट सरकार को नहीं या पब्लिक को नहीं पीना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, उससे हानिकारक है, वो आदमी मरता है उससे। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि सरकार को एक सरकारी दुकान खोलना चाहिए। वो सरकारी दुकान से सामान आदमी किने घर जाए। वो रोड पर पी के नटंकी करे तो कानून वही होगा जो अभी कानून बना हुआ है। पी के जो नटंकी दुकान पर रोड पर करेगा वो सीधे थाना जाएगा। क्या नाम आपका? गुड्डू। तो आपने देखा है किस तरीके से मुजफ्फरपुर की जनता का साफ साफ लफ्जों में कहना है कि बिहार में शराबबंदी नाम की है, नीतीश कुमार ढोंग कर रहे हैं, शराब को 100% खोल देना चाहिए। वही कुछ जनता का कहना है कि जो जहरीली शराब से जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उसकी जो जिम्मेदारी है सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, और बिहार में नाम की शराबबंदी है क्योंकि आज भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। मुजफ्फरपुर की जनता ने तो अपना मन शराबबंदी के लिए बता दिया है कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि शराबबंदी के लिए आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।